हिंदू शब्द एक मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। संविधान में हिंदू शब्द असंवैधानिक शब्द है। हमारा देश है भारत, वो भारत जिसमें सभी जाति धर्म के लोग समानता के हक अधिकार द्वारा रहते हैं। तो किसी एक धर्म पर आधारित ये देश नहीं हो सकता। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि हम हिंदुस्तान बना देंगे। केजरीवाल का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। केजरीवाल सरकार के जो लोग थे, वोटर थे, वो सब जान गए हैं कि ये सब दिखावे की है। ये लोग सिर्फ फ्री का बिजली, फ्री का अनाज, ये ही लोगों को दे सकते हैं। लेकिन जो फ्री का खा रहे हैं, वो लोग ये भूल गए हैं कि हम 2 किलो 5 किलो चावल दाल के बदले हम अपने समाज की, अपने बच्चों की नौकरियों को खा रहे हैं। लेकिन जो समाज, दलित समाज है, वो तो फ्री बिजली पानी राशन में खुश है ना। अभी उन लोगों में जागरूकता नहीं है। वो लोग ये भूल गए हैं कि ये लोग किस तरह से हमारे समाज को उल्लू बना रहे हैं। 2 किलो 5 किलो जो गेहूं में और बिजली की फ्री के चक्कर में फंस गए हैं। जबकि साहब काशीराम ने का एक नारा था कि मुझे अपने समाज को फ्री का, मैं अपने समाज को फ्री का राशन या कपड़ा देने नहीं आया हूँ। मुझे अपने समाज को इस लायक बनाना है कि वो 100 रुपए किलो का चावल और 2000 की साड़ी कपड़ा खुद खरीदने लायक हो जाए। ये जो दीक्षाएं दी गई थी, 22 प्रतिज्ञा जो दी गई थी, ये किसी मंत्री की दी हुई नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये किसी व्यक्ति राजनेता की नहीं थी। ये वो प्रतिज्ञा थी जो बाबा साहब ने हमको दी थी और उन्होंने उन्हीं प्रतिज्ञा को जो है दोहराया था। उससे ये तो क्लियर हो गया कि ये जो केजरीवाल सरकार है, ये जो बाबा साहब की तस्वीर जो लगा रही थी और हमारे लोगों को बहका रही थी कि हम बाबा साहब को कितना मानते हैं, लेकिन उनकी जो है सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई। जब उन्हीं के मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया तो जो आप सरकार है वो बौखला गई। अरे ये क्या हो गया इस तरह से, तो हमारी जो हिंदू वोट बैंक है वो हमारा विचलित हो जाएगा। और हिंदुओं को खुश करने के लिए, मनुवादियों को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी मंत्री का इस्तीफा तलक ले लिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ हो गया कि आजकल जो नेता है, जो बाबा साहब को की फोटो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे बहुजन समाज की वोट लेने के लिए कर रहे हैं। वो उनके विचारों को नहीं मान रहे हैं, खाली उनकी तस्वीर के आधार पर हमारी समाज की वोट लेने का काम कर रहे हैं। बुद्ध का धम ही जोड़ने का नाम है, धम ही जोड़ने का नाम है, क्योंकि यदि हम तोड़ने का नाम होता तो विश्व तथागत बुद्ध के उसको धम को विदेशों में नहीं मानते। और वो विश्व, हमारा जो भारत है, विश्व गुरु कहलाता है तथागत बुद्ध की वजह से। तथागत बुद्ध पूरे विश्व के विश्व गुरु कहलाते हैं। और यहाँ हम तोड़ने की नहीं, जोड़ने की क्षमता की बात करते हैं। ये जो बौद्ध धर्म दीक्षा दी जा रही है पूरे देश में, आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ गई एकदम से, बाढ़ सी आ गई है। अब जो भारत में है, जहाँ जहाँ देखो वहीं बहुजन समाज के साथ में प्रताड़ना और अपनी हत्या हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई मंदिर जाता है उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चों को देखो, राजस्थान में जो इंद्र मेघवाल था, बच्चा था, उसको नहीं पता था कि उसे क्या छूना चाहिए या मैं कौन हूँ। उसने घड़ा छू लिया पानी पीने के लिए तो उसको मार दिया गया। इसी तरीके से जितेंद्र मेघवाल को मारा मूंछों के लिए, मूंछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल जी को मार दिया। तो अब बहुत जरूरत है कि हमारा जो समाज है, क्योंकि हमारे ही पैसे से ये लोग ताकतवर हो गए। हम जब पहले हमें मंदिरों में जाने का इन्होंने अधिकार नहीं दिया, लेकिन जब बाबा साहब के द्वारा संविधान में हमें अधिकार मिले, हमें पैसा हमारे पास आया, तो इन्होंने हम लोगों के लिए मंदिर खोल दिए। और उसी पैसे से ये लोग ताकतवर बन गए। हमें बहुत सख्त जरूरत है कि बाबा साहब की जो हम संविधान से अधिकार ले रहे हैं, सुख सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन उस सुख सुविधा के पीछे बाबा साहब ने हमें बहुत ही विशाल और अच्छा एक बौद्ध धर्म दिया। लेकिन जो बीजेपी सरकार चल रही है देश में, योगी मोदी की बड़े राज्यों में सरकार चल रही है देश में, वो तो कह रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो आरएसएस के प्रमुख है वो भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और आप जो बुद्ध की बात कर रहे हैं इस देश में, अब देखिए सबसे बड़ी बात तो हिंदू शब्द एक मुगलों द्वारा दी हुई गाली है।
संविधान में हिंदू शब्द असंवैधानिक शब्द है। हमारा देश है भारत, वो भारत जिसमें सभी जाति धर्म के लोग समानता के हक अधिकार द्वारा रहते हैं। तो किसी एक धर्म पर आधारित ये देश नहीं हो सकता। ये देश किसी के बाप का नहीं है कि हम हिंदुस्तान बना देंगे। ये वो देश है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। तेरे हिंदू होने पर हमें गर्व, ऐसे जो नारे दिए जाते हैं। नहीं, यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू जैसे समानता के हक शुरू से क्यों नहीं दिए गए? क्यों आज भी मंदिर में जाने से रोका जाता? तो अब लोग जान गए हैं कि हम हिंदू है ही नहीं, थे भी नहीं, और अब हमें हिंदू बनना भी नहीं है। जो लोग अपने को हिंदू मानते हैं वो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि बौद्धिस्ट बन जाएंगे तो दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा सरकारी नौकरियों में। देखिए, आरक्षण किसी धर्म से नहीं मिला हुआ है, ना तो हिंदू से मिला है ना मुस्लिम से मिला है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये तो हमारा हक अधिकार है। जब हमारे समाज इतने लो स्टैंडर्ड पे है तो उनके लेवल तक आने के लिए तो हमें सहारे की जरूरत पड़ेगी। यदि 2024 चुनाव आ रहे हैं, अब संघ वाले भी बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आप उनसे टक्कर ले रहे हैं, आप बौद्धिस्ट बना रहे हैं दलितों को स्पेशली, तो टकरा जाएंगे तो आप आपस में बना ले रहे हैं। कौन कह रहा है बना? भारत तो शुरू से ही बौद्धिस्टों का था। ये तो आर्य लोग जो थे, ये तो खुद भगोड़े हैं, खुद हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए और हमारे देश में ही बस गए। हम लोग तो मूल निवासी हैं, बौद्ध धर्म तो हमारा पुराना धर्म है, लेकिन जो पहला धर्म है। योगी मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, आप विदेश में जाकर के प्रतिमा दी जाती है बुद्ध की, लेकिन यहाँ जय श्री राम की बात करते हैं। उनको ये पता है कि विदेश में वो चार हाथ पैर वाले या सूंड वालों को कोई नहीं जानता। तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो ऐसा धर्म है कि देश विदेश में लोग जानते हैं, सत्य पे आधारित है, वो वास्तविकता पे आधारित है, उसमें कोई अंधविश्वास पाखंडवाद बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो जानते हैं कि सिर्फ पहचान जो है वो सिर्फ एक तथागत बुद्ध की है जिसे सब जानते हैं। इसलिए योगी मोदी या कोई भी जो देश के नेता होते हैं वो सिर्फ तथागत बुद्ध की ही मूर्ति देते हैं, क्योंकि और मूर्तियों को कोई जानता भी नहीं है। पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं, फोटो दिखाती हैं हर जगह, लेकिन उनकी विचारों को नहीं अपना रही है। नहीं, वो इसलिए कंधे पर लेकर के चलती है क्योंकि वो बहुजनों की वोट पाती है, और हमारा समाज आज भी इतना भोला है, सीधा साधा है कि बाबा साहब का कोई नाम ले देता है, जय भीम कर लेता है तो उस पर करुणा दया आती है, क्योंकि हम लोग दयालु हैं, हम लोग तथागत बुद्ध के धर्म से संबंध रखते हैं और उसमें करुणा है, दया है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हम लोगों को समझना भी पड़ेगा और समझ भी रहे हैं कि सिर्फ जय भीम बोलने वालों को हमें वोट नहीं देनी है, हमें वोट उसको देनी है जो हमारे समाज के, जो हमारे देश के उन्नति की बात करेगा, और जो भी मतलब हमारे उन्नति की बात नहीं करेगा, हमारे समाज पर अत्याचार करेगा, हम कोशिश करते रहेंगे कि उनको वोट ना दे करके उनको संसद में ना भेजें, उनको सत्ता ना सौंपे। आप महिलाएं हैं, बाबा साहब के जो है पद चिन्हों पे चल रही हैं, आप नाटक भी करती हैं बाबा साहब के लिए, रमाबाई के लिए, तो जो दलितों की महिलाएं स्पेशली वो तो अभी धर्म में लिप्त हैं, वो तो मंदिरों में जाती हैं, व्रत रखती हैं, उनको कैसे समझाओगे आप? हम घर घर जाकर समझाते हैं।